सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज की इस नए वीडियो में। आज हम विद्यार्थी परीक्षण के चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हम तीसरे क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं और आज चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन भी सेम तीसरे की तरह है, तीसरे और पहले की तरह है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू किया जाए, चौथे को हल करना। देखिए तो हम देखिए चौथे में दिया है ए पे, यहाँ ए पे दिया है ए जी जे एल, और बी में है एम एस वी एक्स जेड टी क्यू ओ एच एन क्यू एस एन यू एक्स जेड, ये दिया है। तो इसको हम सबसे पहले जिस तरह से लिखते हैं लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। फिर देखिए हमने आपको बताया था इस तरह की ए बी सी डी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत आसानी से अपनी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए से अब जी जाना है तो जी देखिए यहाँ पे है, ए से जी जाना है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस छः। फिर जी से जे, जी से जे तो देखिए तीन प्लस, सॉरी यहाँ हो जाएगा प्लस तीन, प्लस तीन। फिर जे से एल, जे से एल देखिए कितना है प्लस एक। इसी तरह से हमको पांचों का, इन पांचों का कर लेना है, करने करते हैं। देखिए इस तरह से हम इन पांचों का कर लेंगे। फिर देखिए इसमें अंतर, देखिए सबसे अलग कौन है इसमें, देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा ये सभी प्लस में है, देखिए ये भी प्लस, ये लेकिन ये सी जो है ये माइनस में है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सबसे अलग है। इसमें देखिए ये ई नंबर पे जो है, इसका नंबर यहाँ पे सेवन है और सब में यहाँ सिक्स है, यहाँ नंबर सेम है, बस यहाँ पे बस क्या कहते हैं माइनस लग गया है। तो हमको क्या करना है, ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा इसका ई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।